हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। आज हमारे पास जो है हाई राइडर आई हुई है, और आप जानते हैं हाई राइडर के जो टॉप एंड्स आते हैं उनके अंदर जो है आपको सनरूफ देखने को मिलता होगा। और सनरूफ जो है अभी जैसे अभी जब धूप आती है तो अंदर का कैबिन जो है काफ़ी हॉट हो जाता है, काफ़ी अंदर गर्म हो जाता है। और आप देख ही होगा आपने कि इसको अगर अपन क्लोज करेंगे तो ये जो है बिल्कुल पर्दे टाइप का रहता है, तो ज़्यादा हीट को जो है वो रिजेक्ट नहीं कर पाता है। हीट टोटली अंदर आती है इसके सनरूफ से। तो सनरूफ के लिए आज हम जो है एक हाई हीट रिजेक्शन वाली फिल्म इसके अंदर हम इंस्टॉल करेंगे, जिसका हम प्रोसेस आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से इसके अंदर आप जो है फिल्म को इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, अभी हमने सबसे पहले तो एक फिल्म ले ली है जो कि हाई हीट रिजेक्शन वाली है, आर्कटिक कूल है, गरवारे कंपनी की होने वाली है, ब्रांडेड शीट्स को यूज़ करते हैं इसलिए हम यहाँ पे। और ये आप देख सकते हैं पूरी प्रोसेस आपके सामने दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इसको हम लगाएंगे। यहाँ पे अभी देखिए पूरी जो है कटिंग प्रोसेस होगी जो कि ऊपर से होती है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस पूरी अंदर से होने वाली है। तो अभी इसको हम जो है इसी के शेप को बिल्कुल कट करके इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो अभी और ये आप देख सकते हैं इसकी ट्रांसपेरेंसी भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। थोड़ी डार्क रहती है और हीट रिजेक्शन बहुत अच्छा करती है, 60% हीट रिजेक्ट करेगी गाड़ी के अंदर से, जो कि काफ़ी अंदर के एटमॉस्फेयर को कूल करने के लिए हेल्प करेगी। तो अभी देखिए देव भैया ये जो है पूरा कटिंग प्रोसेस इसकी शुरू कर रहे हैं, और ये करने के हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे किस तरीके से इसको अंदर से लगाया जा सकता है। तो आप बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखिएगा और कंटिन्यू देखते रहिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी अंदर से क्लीनिंग पूरी करी जा रही है ग्लास की, ताकि जब इसके ऊपर फिल्म लगे तो एक ट्रांसपेरेंसी लेवल जो होना चाहिए ग्लास का बाहर से और अंदर से भी, वो बिल्कुल साफ़ हो जाए। और पूरा अंदर से ग्लास साफ़ करने के बाद ही फिल्म को लगाया जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा स्काई आपको दिख रहा होगा, काफ़ी अच्छा लगता है। और बस हीट का जो एक कारण है इस गाड़ी के अंदर, काफ़ी हीट आती है तो उसको हम रिमूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप दोनों में डिफरेंस आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे जो है पूरा ट्रांसपेरेंट है और यहाँ पे जो है एक फिल्म लगी हुई जो कि अभी आपको मैं दिखाता हूँ। तो देव भाई अभी ये ऊपर रखी है फिल्म? ऊपर रखी है, अभी चिपका ही नहीं है अभी इसको। अच्छा, तो कटिंग करिए, कटिंग करिए। अब देखिए ये आपके सामने हटाया तो आपको कलर डिफरेंस जो है समझ में आएगा इसका। और ये जो है अब अंदर से पेस्टिंग करी जाएगी। तो अभी पूरी कटिंग कर ली हमने दोनों ग्लासेस की, और अब जो है इसको अंदर से पूरा लगाया जाएगा। दोनों कांच आप देख सकते हो बिल्कुल। और ये काफी ज्यादा हीट रोकेगा कि नहीं रोकेगा? भयंकर रोकेगा, भयंकर धूपी नहीं, धूपी नहीं लगेगी अंदर। तो ये जो है 56-57% को जो है हीट को रिजेक्ट करता है, इसलिए इस ग्लासेस पे लगा रहे हैं। और काफ़ी अंदर हीट अगर कम होगी तो एसी भी बहुत अच्छे से काम करेगा, नहीं तो एसी ठंडा करने में और गर्मियों के समय में तो बहुत ज़्यादा आपको परेशानी जाएगी, तो इसलिए इसको लगाया जाता है। तो आइए अब इसको अंदर से इंस्टॉल करते हैं, फिर दिखाते हैं किस तरीके का लुक आने वाला है। अभी आप देख सकते हो विदाउट फिल्म के ये किस तरीके का ट्रांसपेरेंसी दिखा रहा है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा इंस्टॉलेशन इस गाड़ी के अंदर हो चुका है, जो कि सन फिल्म का है। और अब जो है थोड़ा हीट रिजेक्शन इसके अंदर कम होगा। यहाँ पे मैं हाथ भी लगा रहा हूँ तो जो है गर्माहट उतनी ज़्यादा लग नहीं रही है। और यही चीज़ मैं अगर ऊपर से छूँ तो ऊपर काफ़ी ज़्यादा गर्म अभी ये मेरे को लग रही है। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा हीट रिजेक्ट करती है गाड़ी के अंदर, 56% हीट रिजेक्ट करती है। और टिंटेड करने से क्या है, थोड़ा डार्क हो गई है। और 50% ये अभी हमने इसको टिंट किया है, जिसमें हीट रिजेक्शन जो है लगभग 60% के आसपास पे जो है ये हीट रिजेक्ट करेगी। और ये पूरी गाड़ी में हमने अभी लगा दी है। अगर आपके पास भी कुछ ऐसी सनरूफ वाली गाड़ी है और अंदर हीट ज़्यादा करती है, तो आप भी अपनी गाड़ियों में कुछ इसी तरीके से फिल्म को इंस्टॉल करा सकते हैं और आ सकते हैं स्टार कार डेकोर एंड एक्सेसरीज के अंदर अपनी गाड़ियों में इस तरीके से फिल्म को इंस्टॉल कराने के लिए।